नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल प्लांट टिप्स एंड केयर में। तो आज से 6 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी अपने इस चैनल पर, जो एक लिक्विड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइज़र का एक मिश्रण तैयार करने की एक विधि बताई थी। तो आज से 6 दिन पहले मैंने ये मटेरियल वगैरह तैयार करके रखा था। तो आप लोग देखना चाहें तो आप वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से ये मटेरियल को डिकम्पोज या फर्मेंट होने के लिए मिक्स किया था। तो मैंने बोन मील के लिए अलग से एक मिक्स किया था, इसमें कुछ खलियाँ थी और वो कुछ इनऑर्गेनिक वगैरह मैंने चीज़ें मिक्स की थी। तो अगर आप चाहें तो इसे ऑर्गेनिक वे में भी बना सकते हैं। तो आपको ये इनऑर्गेनिक जो मैंने मिक्स किया था, इसे आप स्किप कर दीजिए। तो सिर्फ आप ये दो ऑर्गेनिक चीज़ों से ही बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर ये इनऑर्गेनिक या केमिकल फर्टिलाइज़र भी इसके साथ में मिक्स करें तो वो भी आप अपनी इच्छा के अनुसार मिक्स कर सकते हैं। तो आज इस बात आज 6 दिन हो चुके हैं मुझे, तो आज मैं ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को फीड करूँगा। तो देखिए ये अभी फीड इसको मैंने क्या है ना, बनाने के बाद मैं रोज़ इसे एक बार दो बार करके अच्छे से मिक्स किया है। तो ये इस प्रकार हमें हिला हिला कर मिक्स करना है, डेली एक बार दो बार, जितनी बार मतलब इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह हो पाए, इसीलिए इसे अच्छे से मिलाकर रोज़ मिक्स करते रहना है। तो इस प्रकार मैंने इसे मिक्स किया है, ये भी मैंने रोज़ मिक्स किया है। तो अभी इसके अंदर से एक ख़राब सी एक बदबू सी आ रही है। अगर आपको अगर वो सहन ना होती हो बदबू, तो आप एक मुंह पर कोई मास्क या कपड़ा वगैरह लपेट सकते हैं। तो इस प्रकार इसे रोज़ मिलाना है। मिलाने के बाद में आज देखिए मुझे तैयार करना है। तो इससे मेरी करीबन करीबन 50 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होगी। तो इसके लिए मैंने ये 50 लीटर का एक ड्रम लिया है। इसके अंदर में मैं सारी सामग्री को मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद में ये तीनों सामग्रियों को मैं इसमें मिक्स करूँगा। और मिक्स करने के बाद में एक चीज़ और ऐड करनी है इसके अंदर, तो पहले मैं मिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर आपसे बात करता हूँ। मैं वो तीनों सामग्रियाँ डाल दी हैं। तो देखिए इसके बाद में ना ये बोन मील वाले में जो आपको लास्ट में बच जाता हो, इसे आप मिक्स ना करें, मतलब छान लीजिएगा। ये लास्ट में जो थोड़ा सा बचा, आप क्या पता कितना दिख पा रहा हो आपको, तो ये जो थोड़ा सा बच जाता हो तो इसे आप मत यूज़ कीजिएगा। इसे आप अपने प्लांट में अलग से सुखा कर डाल सकते हैं या फिर अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। इसमें भी जो दाना बच जाता है केक वगैरह का, मस्टर्ड केक वगैरह का, तो उसे भी आपको यूज़ नहीं करना है। उसे भी आप इसी में रहने दीजिए, अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिएगा। और इसके अंदर में भी सेम उसी प्रकार से जो नीचे में सॉलिड मटेरियल बच जाता है उसे छोड़ देना है। तो इस प्रकार मैंने इसके अंदर में मिक्स कर लिया है ये तीनों चीज़ों को। अब इसके बाद में एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मिक्स करनी है मुझे, वो है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड मैं जितने भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को फीड करता हूँ उसके अंदर में ह्यूमिक एसिड ज़रूर ऐड करता हूँ। क्योंकि ह्यूमिक एसिड क्या होता है ना कि प्लांट को इस फर्टिलाइज़र को माने मिलने में बहुत सहायता करता है, मतलब प्लांट इस फर्टिलाइज़र को इजीली ग्रहण कर पाते हैं अगर आप ह्यूमिक एसिड इसके साथ में ऐड करते हैं। तो ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना दो बार ऐड करूँगा। ये करीबन करीबन मैंने इसके अंदर में 15 से 20 ग्राम 30 ग्राम के आसपास ह्यूमिक एसिड ऐड करनी है। सिंगल हाथ से वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो इस प्रकार मैंने इसके अंदर में ह्यूमिक एसिड ऐड कर लेना है। अब इसके अंदर में पानी मिक्स करना है, पानी मिक्स करके ये 50 लीटर का घोल अपना तैयार कर लेना है। झाग बनता हुआ ऐसा आपको नज़र आ रहा है, तो इस तरीके से अगर आप ऊपर से पानी भरे ना तो ऑक्सीजन इसके अंदर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ेगा, तो वो भी एक ज़रूरी बात होती है। इस तरीके से ऊपर से आप जितना ऊपर से जितनी प्रेशर से पानी डालेंगे इसके अंदर में झाग बनेंगे और ऑक्सीजन का प्रवाह भी बढ़ेगा, तो इसकी इफेक्टिविटी मतलब इसका इफेक्टिवनेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा इससे। इस प्रकार ये 50 लीटर के आसपास मेरा घोल तैयार हो चुका है, लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। तो अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि मतलब बहुत से गार्डनर मिस करते हैं कि इसके ऊपर में ना देखिए एक लेयर सी आ गई है, ये फोम की जो लेयर आ गई है ना, इसे हटाना ज़रूरी है। एक्चुअली इसके अंदर में जो आपने ऑयल कैक्स वगैरह डाले हैं, मतलब सरसों की खली या नीम की खली वगैरह जो भी डाली है, तो इसके अंदर में ना तेल की मात्रा कुछ हो सकती है, तो ये आपके प्लांट में कुछ फंगस का कारण बन सकता है।
हालांकि सारे बेनिफिशियल फंगस ही होते हैं, बट कुछ हार्मफुल फंगस भी इसके साथ में हो सकते हैं। और ये तेल क्या होता है ना कि आपके प्लांट की रूट्स के ऊपर में जाकर अगर वहाँ पर बैठ जाए या फिर वहाँ जाकर जम जाता है तो वो आपके प्लांट के लिए ख़राब हो सकता है। तो इस प्रकार ये ऊपर से जितना हो सके ये वाइट जो फोम है, इस प्रकार जो फोम है इसे आप निकाल लीजिए। ये इस प्रकार फोम आपको दिख रहा होगा, ये फोम को आप जितना निकाल सके निकाल लीजिए। थोड़ा बहुत छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जितना आपके लिए मैक्सिमम पॉसिबल हो इसे कोशिश कीजिए निकाल लेने की। तो ये बहुत ज़रूरी टिप्स है, मतलब मस्टर्ड के एक फर्टिलाइज़र सभी बनाते हैं, बट ये चीज़ बहुत से गार्डनर मिस कर दें जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मैं सारा इसमें से झाग निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जितना निकल पाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत छूट जाएगा तो कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा वो थोड़ा सा झाग। तो करीब करीब मैंने निकाल दिया इसके अंदर से, अब मैं इसे यूज़ करूँगा। आप इसका कलर देखिए इस तरीके से, मतलब ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा डार्क आपको नज़र आता हो तो आप इसके अंदर में पानी और ऐड कर दीजिए। मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में ऐसा ना करें कि आप इसके अंदर में मतलब पानी कम ऐड कर दें कि भाई मेरा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, बट वो ख़राब करेगा आपके प्लांट को। तो इस प्रकार पतला सा घोल तैयार होना चाहिए, ठीक है, एकदम पतला। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, तो इस प्रकार पतला सा घोल और इसे ऊपर से ऐड करें फिर से, ठीक है। ऊपर से ऐड करोगे तो फिर से इसके अंदर में ऑक्सीजन का प्रभाव होगा। इस प्रकार मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये घोल अब तैयार हो चुका है, अब देनी बारी है इसे अपने प्लांट में देने की। तो प्लांट की मिट्टी को ना जिस दिन आप इसे यूज करें थोड़ी सी नम होनी चाहिए मिट्टी। तो इस प्रकार मैंने, मतलब ये देखिए करीबन करीबन 10 इंच का पॉट है, तो 10 इंच के पॉट में मैं इसको करीबन करीबन 400 से 500 ml ईजिली दे सकता हूँ। क्वांटिटी को इंक्रीज़ ना करें, कम देने की कोशिश करें। ज़्यादा देने की कोशिश करोगे तो आपके प्लांट ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में ना कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र भी ऐड है। तो इस प्रकार 400 से 500 ml मैंने डाल दिया। तो आप देखिए मेरे प्लांट की ड्रेनेज भी आपको समझ में आ रही होगी, मतलब मिट्टी किस प्रकार, वेल ड्रेन जिसे हमें कहते हैं ना, उस प्रकार की मिट्टी ये मैंने तैयार की है। तो इस पर भी वीडियो आएगा मेरा। तो ये सारा का सारा सोख लिया। तो इस प्रकार अपने सारे प्लांट में, अगर कोई छोटा प्लांट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा 5 इंच के पॉट में प्लांट है, तो इसके अंदर में हमें देना है सिर्फ 150 ml के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है, बस हो गया। ये भी 5 इंच के पॉट में है, इसमें भी हमें 150 ml देना है, मतलब ये भी 5 इंच के पॉट में है, इसमें भी हमें 150 ml देना है, बस इससे ज़्यादा नहीं देना है। इस प्रकार अपने सारे प्लांट में, जिस प्लांट में फ्लावरिंग हो रखी हो ना उसमें ना दें, मतलब फ्लावरिंग जिसमें हो रखी हो, अगर आप चाहते हैं कि वो फ्लावरिंग ज़्यादा दिनों तक आपके प्लांट पर रहे तो उन प्लांट पर ना दें। इसके अलावा बाकी अपने जितने भी प्लांट जो कि डॉर्मेंट नहीं है अभी, उनमें आप इजीली यूज करें और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।